खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश में एथलेटिक्स की सनसनी बनके उभरे रामेश्वर जो शिवपुरी से आए और मंत्री जीतू पटवारी घर पहुंचे। रामेश्वर, बहुत कुछ जानना चाहते हैं लोग तुम्हारे बारे में, कैसे इतना स्पीड से दौड़ते हो और कैसे इतना बढ़िया समय निकाल पाते हो, कब से दौड़ रहे हो? देखो, लोग बात कहते हैं कि गरीबियों को लड़की तो पहले से मेहनती रहती है, तो मैंने ये तैयारी की, पहले आर्मी की तैयारी की और मैं 16 मीटर रनिंग भी करता था और मैंने आर्मी की भर्ती देखी तो उसमें मैं सब असफल रहा क्योंकि मेरी हाइट कम होने के कारण मुझे बार बार उदास होना पड़ता था। तो मैंने 100 मीटर की रनिंग की तैयारी की, करीबन मेरे को 100 मीटर आज से 5-6 महीने हो गए करते करते, तब मैं 11 सेकंड पर ला पाया हूँ। पहले मेरी 12 सेकंड से कुछ ऊपर थी, जब मैंने तैयारी की तो मेरी 11 सेकंड आ गई, क्योंकि मुझे गरीबी होने के कारण, मेरे को अच्छी डाइट ना मिल पाने के कारण, कभी मेरे को सर में दर्द होता था, कभी पैर दर्द करते थे, डाइट नहीं थी इसलिए कारण। तो अब अच्छी डाइट मिलेगी तो तुम उम्मीद करते हो, तुमको मालूम है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कितने का है 100 मीटर का? सर, उसेन बोल्ट का जो है रिकॉर्ड है तो वो 9 सेकंड 58 पल्स का है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसका तोड़ सकता हूँ। क्या चाहिए सरकार से? मंत्री जी तुम्हारे बगल में बैठे हैं, खेल मंत्री, क्या चाहते हो जिससे कि तुम्हारी प्रतिभा उभर के आए? अभी सरकार ने आपके सामने रखा था कि आपकी पूरी सुविधाएं जो दी जाएंगी, मुझे उम्मीद है क्योंकि भी मैं देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, प्रशिक्षण चाहिए मेरे को। अच्छा, हमने देखा तुम नंगे पैर दौड़ते हो, तुम्हारे पास जो जूते हैं ये भी काफी पुराने और फटे हुए हैं, तो ये जूते नंगे पैर क्यों दौड़ते हो और ये जूते किसने दिए? सर, मेरे पास सैंडल थी, सैंडल में दौड़ती था तो सैंडल भी टूट गई, तो मैं जहाँ दौड़ने गया था तो बोला आप इसमें दौड़ोगे क्या? मैंने कहा सर इसी में दौड़ोगे, इसमें गिर पड़ोगे आप जिस सड़क पे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पैर नंगे पैर ही दौड़ लेता हूँ, तो मैं नंगे पैर दौड़ा सर। और ये जूते सर मुझे हमारे ये सर हैं जो हमारे जो खिलाते हैं उनने दिलवाए थे। गजब प्रतिभा है तुम्हें। मंत्री जी, क्या ये जो प्रतिभा आई है शिवपुरी से, तो क्या सोचा आपने? ये ब्रजेश जी, मैं समझता हूँ देश के लिए एक चुनौती भी है और हमारे लिए एक अवसर भी आया है, हमारा भाग्य भी है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जरिए हमें ये पता चला कि ऐसी प्रतिभा शिवपुरी में है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि ऐसी जितनी प्रतिभाएं मध्य प्रदेश में हैं उनको सबको ढूंढो, किसी को भी सुविधा के अभाव में अपनी प्रतिभा की हत्या न करनी पड़े, ये आपके लिए चुनौती है, मुझे ये बात कही। और चूंकि रामेश्वर की पूरी कहानी में एक गरीब परिवार से आता है, बिटा 3 एकड़ जमीन में जो असिंचित है उसमें काम करते हैं, बड़ा परिवार है, जीवन यापन चलता नहीं है, मजदूरी भी करते हैं, पूरी परिस्थितियों को देखकर एक अच्छी प्रतिभा है तो उसके खुद के लिए तो खुद असेट्स है ही, पर देश के लिए असेट्स है। मैं समझता हूँ देश का नाम रोशन करे, बिल्कुल अकेडमी में भी रखेंगे और पूरी सुविधाएं जो एक आवश्यक खिलाड़ी को होती है कोई सुविधा में कमी नहीं आने देंगे और पूरा अवसर मिले उसको अपनी प्रतिभा के दोहन का, उस तरह का ग्राउंड तैयार करके देंगे। हमेशा कब ट्रायल देना चाहोगे यहाँ पे? बिल्कुल कल भी दे सकता हूँ, पर जब भी तुम आप चाहोगे जब भी मैं ट्रायल दे लूँगा। ये रामेश्वर भी शिवपुरी से आए हैं, थके हारे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कल ये यहाँ भोपाल में कोच के सामने ट्रायल देंगे और फिर एक बार बताएंगे कि कितना समय निकाल पाते, पर निश्चित एक बड़ी प्रतिभा है जो अब सही हाथों में पहुंची है। ब्रजेश राजपूत, EBP न्यूज़ भोपाल।